हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 पे किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मुझे आसी ये हूँ प्रैक्टिस सेट, आपण मानकर प्रैक्टिस सेट टू एथिरे रहिछि जीके जीएस करंट अफेयर्स रीजनिंग क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एथिरे 25 क्वेश्चन लेके आसी, आपण माने आउट ऑफ 25 केते मार्क रखुचंते निहाती भाव कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। आपण माने समस्ते जानि जंति 15 डिसेंबर टू आपण मानकर एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम आरंभ हेबा जाउची। तो आपण माने प्रिपरेशन जारी रखंतु एवं आपण माने केते मार्क रखुचंते निहाती भाव कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिची आपण माने पई, स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, हमर जो स्लेव डायनेस्टीटा कहा द्वारा स्थापना करा जाइथिला। चारिटा ऑप्शन रहिछि, कुतुबुद्दीन आइबाक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी, रेजिया सुल्तान। तो स्लेव डायनेस्टी माने दास वंश थिला। तो स्लेव डायनेस्टी को किए स्थापना करथिले, संस्थापक किए? तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन आइबाक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कुतुबुद्दीन आइबाक होछन्ति स्लेव डायनेस्टी रो संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रेस्पोन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो देखो, आम जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो निर्माण करा जाए से कहा समय रे निर्माण होई किए निर्माण करी? तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, क्वीन सी हुआंग, जो तांकर एम्परर थिला चाइनार किंग किंग थिला क्वीन सी हुआंग, तांको समय रे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को निर्माण करा जाएछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु इज कन्सीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसांस। तो देखु, आधुनिक भारतीय पुनः निर्माण जनक क्या कहा जाए? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजा राममोहन रॉय। तो ये फ्रेंड्स, आप 2016 आसी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकिन आ, तो ये हूँ 2016 क्वेश्चन। तो देखो, आधुनिक भारतर आधुनिक भारतीय पुनर्निर्माण जनक होती राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय होती फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग्स स्टोरी इज द सब्जेक्ट ऑफ प्ले ऑफ मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक रही से क्यों राजा विषय कहानी रही, क्यों राजा कहानी से रही? तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक रही से चंद्रगुप्त मौर्य कहानी लिखा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कोयना डैम लोकेटेड। कोयना डैमटा कौ राज्य अवस्थित? मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपण मैंने आंसर दे पारे, तो करेक्ट आंसर आपण मानकर हे जीवो कोयना डैम महाराष्ट्र रे अवस्थित, महाराष्ट्र रे कोयना डैम अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कौ भाव कौन भाव यूज करा जाए? चार ऑप्शन रही, लैक्सेटिव, पेनक्यूलर, सेडेटिव, एंटीबायोटिक। कौन भाव व्यवहार करा जाए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज ए लैक्सेटिव, लैक्सेटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन रही, गोटे रिजनिंग क्वेश्चन रही, तो सीट कौन कही इ जदि 5 हम, गन जदि 42 हम, आर एस रोस 57, तेरे गेट कौन हम? तो देखते ये आप जो ए टू जेड रही 26 नंबर रही, ए टू जेड 26 आपण मान लेटर रही, तो से लेटर रो पोजीशन हिसाब से ये क्वेश्चन टा पचार। तो आपण मैंने जानते ए करे ए अच्छी, तापर बी होची दुई, सी होची सी, ये जेड आप 26 रोच। तो यार गोटे सूत्र रही आप जानते इ जो टी माने 5 इ तापर 10 15 टी हूँ 20 वाई हूँ 25 मान यादारा आम सहजे करपर 5 पर एफ इ पर जो कौन रही एफ जि जी अच्छे मैंने आम 7 धरने ये आपने सहजे यू कर। तो देखो ये कौन कह गेट आपको गेट कह जीटा कौन हम इ हूँ 5 हेल्ले एफ जि जी हूँ 7 तापर प्लस हूँ ए मैंने 1 तापर टी मुझे टी मैंने 20 तो 20 लिखीदल तापर इ लिखी इ लिखी 5 मैंने 5 हेल्ले 20 5 25 1 26 26 ये 7 के 6 13 33 करेक्ट आंसर होप्शन नंबर 3 33 होट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे ये भी रिजनिंग क्वेश्चन रही ये कौन कह फायर इज टू बर्न समानुपात वाटर इज टू डैश तो देखु फायर द्वारा कौन होमर बर्न हो बर्न हो फायर द्वारा तो वाटर द्वारा कौन वाटर द्वारा फ्लड हो फ्लड माने बन्या वाटर द्वारा बन्या हो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड कौन कह इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर केबे पालन करा जाउछि तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए सेप्टेम्बर 16 सेप्टेम्बर 16 को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर दिवस पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज देखो स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज कौन हम ना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। तापर देखते अपन करंट अफेयर्स रही सतपाल सिंह बिकम द चेयरमैन ऑफ व्हिच स्टेट्स फाइनेंस कमिशन रिसेंटली सतपाल सिंह क्यों राज्यर फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन बनी आर्थिक अर्थ कमिशन रो चेयरमैन बनी चार ऑप्शन रही पंजाब मणिपुर आसाम हिमाचल प्रदेश तो सतपाल सिंह रिसेंटली फाइनेंस को राज्यर फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन बनी तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश रो सिक्स्थ फाइनेंस कमिशन रो चेयरपर्सन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ हुज टेनर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर टू मोर इयर्स टिल 2022 तो फ्रेंड्स देखो तो ये पांचटा मुझे नहीं कि करंट अफेयर्स ये होंगे लाटेस्ट करंट अफेयर्स तो देखो ये कौन कही रिसेंटली डीआरडीओ र चेयरमैन दुई वर्ष कार्यकाल बढ़ाई दिगला मानने 2020 कार्यकाल शेष होता 2022 पर्यंत बढ़ाईगला तो बर्तमान किए चेयरमैन अच्छा चार ऑप्शन रही के सिवान जी सतीश रेड्डी एस किरण कुमार संजय मित्र तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जी सतीश रेड्डी जी सतीश रेड्डी होती डीआरडीओ रो चेयरपर्सन आउ के सिवान हूँ इसरो रो चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू इलेक्शन कमिशनर तो बर्तमान नुआ निर्वाचन कमिशनर किए निजुक्ति होती केवि कामत राजीव कुमार अशोक लवासा वायरल आचार्य तो देखो तो करेक्ट आंसर है आप मैं नुआ इलेक्शन कमिशनर होती राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द चीफ इनफॉरमेशन कमिशनर ऑफ इंडिया वर्तमान भारतर मुख्य सूचना आयुक्त किए अच्छा चार ऑप्शन रही विमल जुल्का माधव राव अजय त्यागी एनके सिंह तो वर्तमान भारतर चीफ इनफॉरमेशन कमिशनर बा सीआईसी अछंती विमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो रो वर्तमान प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल किए अछंती महिला महानिदेशक किए निजुक्ति पाई चार ऑप्शन रही कल्पना कुमारी उषा पाढ़ी रेखा शर्मा नवनाथ दीज तो देखु प्रथम महिला महानिर्देशक अच्छा सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो रो उषा पाढ़ी ऑप्शन नंबर बी उषा पाढ़ी उषा पाढ़ी होती प्रथम महिला महानिर्देशक जिकि सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो रे निजुक्ति पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ये क्वेश्चन आप ग्रुप डी रे आसी तो स्वतंत्र भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो इंग्लीश रे कहबा हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माने स्वतंत्र भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए चार ऑप्शन रही सी वी रमन सी राजगोपालाचारी आनी बेसांत एम एन प्रसाद तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपाल आचार्य होती स्वतंत्र भारतर प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भारतीय संविधान रे उल्लेखित मौलिक अधिकार नुहे तो कोटा गोटे फंडामेंटल राइट्स नुह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोटा गोटे फंडामेंटल राइट्स नुह
तो देखो प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत अधिकार फ्रीडम अधिकार ना इक्वलिटी अधिकार ना शोषण विरोधी अधिकार। तो देखो कौटा मौलिक अधिकार नुह तो देखो मौलिक अधिकार हूँ आपण फ्रीडम राइट्स रही इक्वलिटी राइट्स रही शोषण विरोधी अधिकार रही किंतु संपत्तिगत अधिकार यहाँ गोटे मौलिक अधिकार नुहे। तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कहा द्वारा निजुक्ति पाती आमर जो चीफ इलेक्शन कमिशनर से कहा द्वारा निजुक्ति पाती चीफ इलेक्शन कमिशनर को किए निजुक्ति दिखती। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिशनर को निजुक्ति करा जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे करेंट अफेयर्स क्वेश्चन रही तो ये कौन कह कार कार इज टू 22 कार को 22 लिखा जाए बस बदल में 42 लिखा जाए ट्राम कौन हम यहाँ मुझे रखुच्छे आपण जो ए टू जेड रही जो नंबर रही से पोजिशन हिसाब से पचार क्वेश्चन तो यहाँ आपर जो मुझे ई जो टी मैंने ई 5 10 15 20 ये 25 तो देखो ताल कौन हम तो ये कौन कह ये आप ट्राम पचार टी टी मैंने इजोटी रे टी हूँ 20 प्लस आर हूँ आप 18 प्लस ए हूँ 1 एम हूँ आपर जे हूँ 10 है के एल एम है 13 है आपर 13 है 20 18 38 एक 39 39 ये 3 42 10 52 तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी आपर करेक्ट आंसर हो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला नेक्स्ट ये भी गोटे करेंट ये गोटे आपण मानकर रिजनिंग क्वेश्चन तो देखो तो बॉक्सिंग जी रिलेटेड रिंग सेम वे टेनिस जी रिलेटेड तो आपण मैंने जो जानते बॉक्सिंग जो खेला जाऊँ तो तार जो बॉक्सिंग खेला जाऊँ से कौन कहुए से रिंग कह जाए रिंग कह जाए तो से भाई टेनिस खेलु जो टेनिस खेलु से कौन कौन से कौन कह जाए ना टेनिस कोर्ट कह जाए टेनिस कोर्ट तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ हूँ टेनिस कोर्ट आ क्रिकेट आप ग्राउंड रोच करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन को किए उद्भावन करिछंती जोसेफ विल्सन एडविन लैंड मार्टिन कूपर जॉन लॉयड राइट तो करेक्ट आंसर आपर ऑप्शन नंबर सी मार्टिन कूपर मोबाइल फोन को उद्भावन करिछंती मार्टिन कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी निम्नलिखित मधुर कौटा गोटे रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी नुहे तो सोलार एनर्जी विंड एनर्जी ओशन वेव्स कोल से कौन कह कौटा गोटे रिन्यूएबल एनर्जी नुह माने पुनः सेटा को रिसाइकल हो पारिबनी को शक्ति को एनर्जी रिसाइकल हो पारिबनी तो देखो सौर शक्ति देखिए पवन द्वारा यहाँ ओशियन वेव्स द्वारा यहाँ कोईला तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोल कोल इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी कोईला गोटे रिन्यूएबल एनर्जी नुह कोईला गोटे थोड़ा यूज हेल्ले गला से रिसाइकलिंग हो पार ना आप क्रूड ऑयल रही नेचुरल गैस गोटे युवाक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी हूँ कोल क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस बाकी ए तीन टा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी ए तीन टा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट बिलो तो देखो ये लिस्ट रे ये भी आप क्वेश्चन रही रिजनिंग क्वेश्चन रही रिजनिंग तो ये स्नेक लिजार्ड देती रेप्टाइल्स देती क्रोकोडाइल देती ओडिया कहले यहाँ हूँ साप तापर ये आपर जो यहाँ झिटी पिटी तापर आप कुंभीर तापर रेप्टाइल्स मान सरीसृप है कौटा अलग रही साप झिटीपिटी आउ कुंभीर तापर सरीसृप तो कौटा अलग पचार तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मान ए वेजिटेबल एनिमल्स मान ये गोटे सरीसृप रेप्टाइल्स को ओडिया कह जाए सरीसृप मान गोटे गोटे पशुर गोटे जाति को बुझौती किंतु रेप्टाइल्स मान कौ गुड़ाक रेप्टाइल मान या स्नेक लिजार्ड क्रोकोडाइल एगुड़ाक आर उदाहरण रेप्टाइल रो उदाहरण मान
सरीसृपर उदाहरण कौटा ना क्रोकोडाइल लिजार्ड एंड स्नेक माने सरीसृप रेप्टाइल्स अंडर ए तीन टा जाक आसुच्छे तो यहाँ आपन मानर अड हूँ रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ ओडिशा इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा तो ओडिशा रो क्यों मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाए राजारानी टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल कोणार्क टेम्पल लिंगराज टेम्पल तो ओडिशा रो को मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाए तो करेक्ट आंसर होची कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल को सन टेम्पल बा सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भारतर क्यों राज्यर सबुठार अधिक कोस्ट लाइन रही उपकूल एरिया रही तो देखो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश गुजरात वेस्ट बेंगल तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री गुजरात गुजरात भारतर सबुठार अधिक कोस्ट लाइन बा बेसी लंबा कोस्ट लाइन एरिया रही गुजरात रो। नेक्स्ट रही आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट बिलो तो देखो एथे रीजनिंग रही रीजनिंग क्वेश्चन ये भी स्ट्रीम देची ब्रिज देची केनाल देची रिवर देची कोटा और पचार से स्ट्रीम माने झरणा जो थे पानी बुहे केनाल केनाल आपने से भी पानी जाए रिवर रिवर मध्य पानी जाए आ ब्रिज कौन ब्रिज रे लोक माने जीबा आसिया करंती गाड़ी घोड़ा जाए तो आप और कौन हम ये तीन टा जगह पानी सहित रिलेटेड रही केनाल रिवर स्ट्रीम माने झरणा आउ केनाल आउ नदी ए तीन टा वाटर सहित संपर्क रही किंतु ब्रिज रे कौन ना गाड़ी जीबा आसिया कर सेटा गोटे अड रोज ब्रिज करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थिला आजिरो 25 क्वेश्चन तो आपण मैंने आउट ऑफ 25 केते मार्क रखिछंते निहाती भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनाबे जदि भिडियो भल लगी है गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।